नमस्कार, आप देख रहे हैं DMMPCG न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। चित्रकूट की मंदाकिनी नदी के तट पर प्रतिवर्ष रक्षाबंधन पर्व के दूसरे दिन भादो मास की प्रतिपदा को मनाए जाने वाले कजलिया महोत्सव को देखने के लिए नदी के दोनों तरफ हजारों लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। कजलिया महोत्सव का आयोजन नया गांव राज परिवार के द्वारा पिछले करीब 60 वर्षों से किया जा रहा है। सोमवार को मनाए गए कजलिया महोत्सव में सबसे पहले हाथी घोड़ा बैंड बाजे के साथ विशाल जुलूस निकाला गया, जिसमें चित्रकूट विधायक नीलांशु चतुर्वेदी सहित राज परिवार के अन्य सदस्यों ने सहित बड़ी संख्या में माताएं बहने कजलिया घूटने के लिए कजलियां लेकर निकली। वहीं आयोजन स्थल मंदाकिनी तट पर आयोजन को भव्यतम बनाने के लिए गीत संगीत के कार्यक्रम सहित विशाल दंगल का आयोजन किया गया, जहां गीत संगीत के कार्यक्रम में चित्रकूट के अनेक साधु संत मौजूद रहे, तो वहीं दंगल में मौजूद प्रसिद्ध पहलवानों के दाव पेचों को देखने की भारी भीड़ मौजूद रही। कार्यक्रम के आयोजक चित्रकूट विधायक नीलांशु चतुर्वेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि यह कार्यक्रम उनके पूर्वजों द्वारा पिछले लगभग 60-70 वर्षों से आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सभी क्षेत्र की माताएं बहनें शामिल होती हैं। इसमें किसी तरह का कोई जाति धर्म का विभेद नहीं होता, सब लोग मिलजुल कर ये पर्व मनाते हैं। हमारी बहन बेटियों का त्यौहार होता है, लगातार 60-70 साल से परंपरागत चला रहा है। एक ऐसा त्यौहार है जिसमें सभी बहनें पूरे क्षेत्र की लगता, इसमें जाति का भेद होता है ना धर्म का भेद होता है, सब मिलके अपनी बहनों के लिए एक दिन निकालते हैं और कजली का एक महोत्सव मनाया जाता है।